अयोध्या में राम जन्मभूमि की खुशी के माहौल पर आज पर्यावरण मित्र फाउंडेशन की महिला विंग की टीम ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बहन वीना अरोड़ा के साथ मिलकर नेहरू पार्क में पौधारोपण करने का काम किया, जिसके अंदर उन्होंने फूलदार पौधे लगाकर राम मंदिर के शिलान्यास के ऊपर अपनी हाजिरी को दर्ज करवाया। इस मौके पर उन्होंने सभी को बधाई भी दी। वहीं पर्यावरण मित्र फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारा जो 500 साल का सपना था वह आज पूरा हो गया है। तो यहाँ पे इकट्ठे हुए सबसे पहले तो मैं सबको हार्दिक बधाई देती हूँ कि आज श्री राम मंदिर जी जो कि अयोध्या के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज शिलान्यास किया, तो उनके लिए सबको बधाई देती हूँ। तो उसके उपलक्ष्य में जो आज पौधा अर्पण किया गया हमारे गिरीश चिराग जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके पर्यावरण की तरफ से जो ये जो उनकी संस्था चला रहे हैं, मैंने अभी सुना है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से वो काम करते हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और ये पूरे यमुनानगर को चमकाने में लगे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम ये पौधा भी बड़ा दिखाई दे और यमुनानगर का बहुत विकास हो, क्योंकि यमुनानगर मैं पहली बार आई हूँ कि यहाँ काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और यहाँ मेरा आना हुआ आज, और मैं खुश नसीब मानती हूँ ये हमारे राकेश शर्मा भाई जी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, अलका भाभी जी हैं, और आज महिला शक्ति हमारे साथ है और आज महिलाओं को बहुत ही सम्मान मिलता है। तो आज का जो युग है श्री राम जी का युग स्टार्ट हो गया, तो इसके लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, ताकि हमारा जो वातावरण है प्रदूषित ना हो और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो इसको आनंद ले सकें, रह सकें और वातावरण कभी प्रदूषित ना हो। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारी पर्यावरण मित्र फाउंडेशन की जो महिला विंग है एक साल से इस काम को निरंतर कर रही है और आज हमें बहुत इसको करते हुए खुशी मिल रही है, क्योंकि 500 साल का जो हमारा सपना था राम जी के मंदिर का, आज वो संपन्न हुआ। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसको संपन्न किया। सबके सपने के साथ साथ आज सब हम सब महिला विंग के सभी सदस्य घर में भी शाम के समय दीप प्रज्वलित करेंगे, जिसका शुभारम्भ आज हमने पौधारोपण के साथ किया। हमने ये विशेष रूप से तुलसा का पौधा हम सब ने अपने घरों में लगाया है आज के दिन सुबह, और अभी अभी जो हमारे मुख्य अतिथि थे उनके साथ हमने एक फूल का पौधा लगाया है, जिससे सब जगह सुहावना मौसम रहे और सुगंध फैलती रहे उसकी। ये जो मुख्य अतिथि जी हमारे जो माननीय CM खट्टर साहब हैं, उनकी सिस्टर हैं, और उन्होंने आके हमारे इस महिला विंग को भी उत्साहित किया कि हम निरंतर इस तरह के सामाजिक कार्य को करते रहें।